हेलो। हाँ जी, अंशिका, क्या करवा रहे थे बेटा? मैं उसमें आपको सर एक मिनट तो नहीं करवाया था आसपास में। सर क्वेश्चन नंबर 59 तक आपने होमवर्क दिए थे। हो गए क्वेश्चन वहां तक? या कोई डाउट्स हैं उसके अंदर? सर एक क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व ही नहीं। बताओ कौन से वाला? सर 58। 58 जस्ट अ मिनट, क्लास में डाला था शायद वो क्वेश्चन तो, है ना? सर आपने ड्राइव में डाला था। वेट, नहीं वो तो उसी में भी डाला हुआ था ना लास्ट टाइम का क्वेश्चन। एक मिनट देख रहे वेट। एट ये सामने है ना आपको? दिव्यांशी करा होमवर्क? सर 57th क्वेश्चन तक करा है। सेंड करो बेटा, ऐसे कुछ नहीं पता चलता क्या करा। सर फोन नहीं, मैं अभी क्लास के बाद सेंड कर देती हूँ। बेटा क्लास से पहले क्यों नहीं सेंड करते? बोलना क्यों पड़ता है आपको हर बार होमवर्क के लिए? क्लास से पहले खुद ही सेंड करा करो ताकि मुझे पूछना ही ना पड़े। हाँ जी बेटा पढ़ो जरा 58 में क्या कह रहे हैं, जरा ग्रुप में डाल दो क्लास के लिए। Why limited forfeited 1500 shares of rupees 10 each, 7 called up. मतलब हमने मांगे ही 7 रुपए हुए। For the non-payment of allotment of rupees 4 per share including rupees 1 per as premium. 4 रुपए नहीं मिले जो कि प्रीमियम के साथ है, मतलब 3 रुपए हमारे एप्लीकेशन पर थे, 4 रुपए अलॉटमेंट पर थे। 1000 शेयर हमने रीइश्यू करे एम को 6 रुपए में, रुपीज 7 कॉल्ड अप। ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है कुछ। ये नहीं समझ आ रहा। यही गड़बड़ है, देखो करके दिखा रहा हूँ। कितने शेयर है? 1500 शेयर है ना? यस सर। हाँ करके दिखा रहा हूँ बेटा, देखो लैंग्वेज में थोड़ी सी गड़बड़ है। देखो शेयर है हमारा 10 रुपए वाला, 7 रुपए कॉल्ड है और 3 रुपए अनकॉल्ड है। ये जो 7 रुपए मांगे हुए ना, इसमें 1 रुपया प्रीमियम भी मांगते, टोटल 8 रुपए मांगे हुए। 4 रुपए 3+1 है अनपेड है और 4 रुपए हमारे पेड है। ठीक है, अलॉटमेंट के 4 रुपए अनपेड है और 4 रुपए एप्लीकेशन वाले पेड है, ये मतलब है इस क्वेश्चन का, समझ गया? हाँ जी बेटा क्लियर है। ठीक है, अब हम शेयर करेंगे फोरफीट। कैसे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हमारे 1500 शेयर है, 7 रुपए के रेट से 10,500, 1500 रुपए का प्रीमियम, 6000 हमें मिल चुके हैं, 6000 नहीं मिलेंगे। हाँ जी बेटा बताओ क्लियर है? सर पर ये कहाँ लिखा है कि अलॉटमेंट के नहीं मिले? बेटा क्वेश्चन में लिखा तो है 4 रुपीस ऑन अलॉटमेंट प्रीमियम, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ओके सर।
ठीक है जी, क्लियर है? अब यस हमारे शेयर हो गए 4 फीट, अब हम 1,000 शेयर इशू कर रहे हैं 6 रुपए में। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 7,000 रुपए के शेयर है, 6,000 रुपए में इशू करें, 1,000 का वो लॉस। अब हमें प्रॉफिट हुआ था 6,000 रुपए का 1,500 शेयर पर, 1,000 शेयर पे कितना हो गया 4,000। हमें 4,000 का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। चार हजार का हमें प्रॉफिट हो, 1,000 का लॉस हो गया, बाकी क्या जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो बताओ कितना आ रहा है आंसर, चेक करो। कितना दिया बेटा आंसर, कितना दिया हुआ है? सही यही है। कुछ तो ठीक है, कॉपी कर लो बेटा इस क्वेश्चन को, शाबाश। सर ऊपर कर दो थोड़ा। सर 59 भी करवा लो, उसका आंसर गलत आ रहा है। फिफ्टी नाइन यस सर। उसको कॉपी करो फिर बताओ। सर हो गया, सर डन। 59 59 में मैं कह रहा हूँ, मनोहर लिमिटेड ने 4 फीट करे 50 शेयर, 100 रुपए का शेयर था, 10% के प्रीमियम पेशू करा गया था, जिस पर अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज के मैं नहीं मिली, जिस पर हमें 30 रुपीज की अलॉटमेंट नहीं मिली हुई। फर्स्ट कॉल 30 रुपए की हमें नहीं मिली हुई और सेकंड कॉल हमने 20 रुपए की मांगी ही नहीं, तो 100 रुपए में हमारा शेयर है, सौ रुपये में हमारा शेयर है, 30 रुपए फर्स्ट कॉल, 20 रुपए सेकेंड कॉल और 30 रुपए फर्स्ट अलॉटमेंट नहीं मिली, ठीक है। हमने 20 शेयर इशू करे, 80 रुपए कॉल्ड अप,
₹80 पेड अप, ठीक है हमें, यानी कोई भी हम एक्स्ट्रा पैसे नहीं, तो क्या दिक्कत है बेटा इस क्वेश्चन में, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पता नहीं आंसर गलत आ रहा है। ₹100 का शेयर है, ₹30 की अलॉटमेंट, ₹30 की फर्स्ट कॉल, ₹20 की सेकंड कॉल, ठीक है टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे 20, 30, 50 और 20, 70, ₹30 हमारे एप्लीकेशन पर हो गए, क्लियर। पचास शेयर है हमारे, ये हमने अभी तक मांगा हुआ है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 शेयर, 4 फीचर अकाउंट, 2 शेयर, अलॉटमेंट अकाउंट, 2 शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट, 50 शेयर पर अभी तक हमने मांगे हुए ₹70, 50 शेयर पर ₹10 का प्रीमियम, उसने हमें दिया ₹1500 एप्लीकेशन पर जो दिए थे, अलॉटमेंट पर उसने मुझे ₹30 नहीं दिए, फर्स्ट कॉल पर उसने मुझे ₹30 नहीं दिए, ठीक है एक मिनट रखो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, सेरी 4000 आएगा शेयर कैपिटल में, एक मिनट बेटा एक मिनट, 30, 20, 50 होती है ₹80 सॉरी, ₹4000 आएगा, मैंने ₹70 काउंट किए थे, हाँ जी हो गए शेयर फॉरफिट, अब हम इसको रीइशू कर देंगे, कितने में, बैंक अकाउंट डेबिट, सारे शेयर रीइशू कर रहे हैं ना, सारे शेयर इशू कर रहे हैं ना, कुछ कम तो नहीं कर रहे, बोलो बोलो सर, इसमें लिखा हुआ है कि 20 ऑफ दी शेयर वर रीइशू, 20 शेयर इशू कर रहे हैं, यस वही तो आपसे पूरा, कितने शेयर इशू कर रहे हैं, बीस शेयर अगर हम इशू कर रहे हैं तो 20 शेयर होगा ₹1600, ठीक है अब हमें प्रॉफिट हुआ था ₹1500 का, 50 शेयर पर 20 शेयर पे कितना हो गया ₹600, लॉस तो हमें कुछ हुआ नहीं, तो पूरे ₹600 हमारे कैपिटल रिजर्व में चल गए, ठीक है जी डन। सर हाँ जी बेटा बोलो,
सर इसमें जब री इशू कर रहे हैं तो इसमें 80 रुपीज पर शेयर है, पर वैसे तो 100 नहीं था क्या मतलब? सर, पर शेयर का अमाउंट जो है वो 100 था ना, और वो 80 में री इशू कर रहे हैं, तो 20 का लॉस नहीं होगा? नहीं बेटा, 80 रुपीज कॉल्ड अप मान रहे हैं ना, उसके अंदर लिखा भी तो है। अच्छा ठीक है सर। सर हो गया। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यही था। बेंची कॉपी करोगे क्वेश्चन? सर नीचे कर दो थोड़ा सा, नहीं मतलब ऊपर। डांस कौन आया अभी? महक नहीं आना आज? सर क्या हो गया?
मैक दो क्वेश्चन हो चुके हैं बेटा, 58 और 59 का बताओ आपसे हुए हैं मेरे क्वेश्चन। सर 59 तो हो गया था। 58 में क्या दिक्कत है? 59 में सामने कराओ एक बार, टैली कर लो। कर लो बेटा टैली एक बार। हाँ जी बेटा हो गया, महक देख लिया, महक देख लिया क्वेश्चन। यस सर। सेम है, और ये जो 58 58 में क्या दिक्कत आ रही थी बताओ। मैं क्या दिक्कत आ रही थी बेटा 58 में? मैं टैली करो बेटा, बताओ क्या डाउट आ रहा है इसमें।
हाँ जी क्वेश्चन और सुनो, पैक करिए कॉपी। यस सर। डाउट क्या आ रहा था बेटा इसके अंदर ये बताओ। सर मुझे ना पहले समझ नहीं आ रहा था, मतलब जो प्रीमियम है ना उसका अमाउंट गलत आ रहा था। अच्छा अभी समझ में आ गया क्वेश्चन, या अभी दोबारा बताओ। सर ऐसे समझ आ गया। ओके ये 59 है 58 है। अब सुनो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एप्लीकेशन पर है ₹2, अलॉटमेंट पर ₹3, फर्स्ट कॉल पर ₹3, सेकंड कॉल पर ₹2, ठीक है। कंपनी ने ऑफर करे 60,000 प्रेफरेंस शेयर या 8% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, फुली कॉल्ड एंड फुली पेड, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने कुछ ज्यादा बातें आपको बोली नहीं। क्वेश्चन 60,000 प्रेफरेंस, 8% वाले प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने ऑफर करे, फुली कॉल्ड एंड फुली पेड, मांगे भी और पूरे मिल भी गए, ठीक है। एंट्री कैसे पास करें? अब इक्विटी शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर है। एंट्री कैसे पास होते हैं? एंट्री पास करने में कोई डिफरेंस नहीं होता, फर्क सिर्फ ये होता है हर एंट्री में प्रेफरेंस भी चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा वो देख लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू, आप शेयर एप्लीकेशन एक तरफ, क्या लिखोगे? टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 1,20,000, ठीक है। और जब हम दूसरी एंट्री डालेंगे तो उसमें डालेंगे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। एक लाख बीस हजार समझ आ गया? 8% का क्या काम है? 8% का मतलब होता है जब हम कभी हम इस पर डिविडेंड दिया करेंगे तो 8% का डिविडेंड मिला करेगा कंपनी को। सिंपल, कंपनी जब कभी डिविडेंड देगी तो उस पर 8% का डिविडेंड दिया करेगी, बस इसका इतना सा मतलब। तो इसका एंट्रीज पे कोई इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं है, 1% रिलेशन नहीं है इस बात का। ओके सर, बस सिर्फ एंट्री लिखनी है बस आपको। अब ऐसे ही आप अलॉटमेंट की एंट्री पास करो, ऐसे ही फर्स्ट कॉल की और ऐसे ही सेकंड कॉल, जब कभी कैपिटल वाली एंट्री आएगी ना साथ में 8% लिखा जाएगा, मतलब 8% प्रेफरेंस शेयर लिखा जाएगा जब कभी कैपिटल वाली एंट्री हो। अदरवाइज बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की बजाय बैंक टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट आ जाए। करो एवा क्वेश्चन कंप्लीट करो, मुझे बताओ क्या डाउट आ रहा है। कर पाओगे एवा क्वेश्चन? बताओ। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी मुझे बता दो एक बार। मैं नेक्स्ट एंट्री लिख दूंगा, उसके अंदर सारी एंट्री कवर ही हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल, ठीक है बेटा। अब कितने पैसे शेयर थे हमारे? 60,000, 1,80,000 रुपए। और आगे क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है भाई। डन, सर सिर्फ शेयर कैपिटल वाली एंट्री में 8% लिखेंगे? हाँ जी, जब शेयर कैपिटल वाली एंट्री आएगी बस तभी 8% लिखा जाएगा बस। अब आप फर्स्ट कॉल वाली एंट्री डालोगे, शेयर फर्स्ट कॉल या प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
तो शिमला भी नहीं जाया आती है। अगर इसमें कुछ पैसा फालतू आ रहा हो या वापस करना हो, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चलता है जैसे पहले, तो सर प्रेफरेंस शेयर एक अलग टाइप के शेयर होते हैं बस, और कोई फर्क नहीं होता। तो डाउट आ रहा है तो बताओ, दोबारा समझा दो। सर अगर प्रीमियम आएगा तब क्या लिखेंगे? सेम वहां पे बेटा, प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता ना उसका, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर से कोई लेने देने नहीं होता। ओके सर। वो तो वैसे ही एंट्री पास होगी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं कैपिटल से। ओके सर। लिखा हो 8% डिबेंचर्स, और वही लिखा हुआ है 70,000 शेयर है, नहीं 70,000 डिबेंचर है ऑफ रुपीज
टेन ईच या हंड्रेड ईच, टेन भी हो सकता है हंड्रेड भी हो सकता है, 8% डिवेंचर है, एप्लीकेशन पर ₹2, सेकंड कॉल पर दो, सेम दे रहा हूँ आपको कुछ या थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, तीन तीन दो दो, ठीक है, तब क्या एंट्री पास होगी, सेम पैटर्न, बैंक अकाउंट डेबिट, आप बताओ क्या एंट्री पास करोगे, अपने दिमाग से बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना 210,000, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, उसमें कैपिटल नहीं आता बस, सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर, डिबेंचर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8%, शेयर 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 नहीं है, शेयर वर्ड नहीं है, ओह सॉरी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, 210,000, फिर हमें पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसे अब कौन सी एंट्री पास करोगे, फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल क्या एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, फिर ऐसे सेकंड कॉल करेंगे, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 8% डिबेंचर अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सेकंड कॉल, ठीक है, करो बेटा ये एंट्री पास करो, शाबाश, फिर मेरे को 5-6 क्वेश्चन दे रहा डिबेंचर के, वो करके दिखाओ जरा मेरे को फटाफट, सब एक ही चीज होती है, डिबेंचर शेयर प्रेफरेंस शेयर सब एक ही चीज है, बट डिबेंचर हमारी कंपनी का लोन होता है और शेयर हमारी कंपनी कैपिटल होती है, इसी उसका नाम कैपिटल लिखा जाता है, इसमें खाली डिबेंचर लिखा जाता है, दो क्वेश्चन में भी आपको दे रहा हूं, मैं बहुत सारे क्वेश्चनों में डाउट था भाई आपको, तो इसके अंदर मैथ्स के अंदर सर आंसर्स ना मतलब आ नहीं रहे थे कि प्रूफ वाले क्वेश्चन, सर मैंने 3 और 4 दोनों के डाउट भेजे, अच्छा
समझ नहीं आ रहा इसको करो तो करो क्या। थोड़ा दो क्वेश्चन आया अभी आपके पास। ठीक है देख लूंगा दोनों क्वेश्चन। किस पर देखो आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर। यस नजर आ रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन भी डालो। ये दो क्वेश्चन है आपके पास जिनको आपको करना है। करो जरा क्वेश्चन। शाबाश छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एक नई क्रांति आ रही है हमारे देश में तो इसलिए वो 10,000 डिबेंचर 12% वाले इशू कर रहे हैं। 100 रुपए का एक है। 25 रुपए एप्लीकेशन 50 रुपए अलॉटमेंट बाकी फर्स्ट और फाइनल अकाउंट पे। हमने 10,000 की एप्लीकेशन मांगी आ गई 13,000 डिबेंचर की एप्लीकेशन। ठीक है एप्लीकेशन 3,000 डिबेंचरों को हमने कहा भैया नमस्ते यानी उनके पैसे हमने क्या कर दिए वापस कर दिए। 10,000 डिबेंचर वालों को पूरे डिबेंचर हम अलॉट कर रहे हैं। ठीक है भाई क्वेश्चन की एंट्री पास करो मुझे बताओ क्या एंट्री पास करो फटाफट से करो। दिव्यांशी करके बता रही है सबसे पहले।
भाई आज हमारे देश में डिजिटल करेंसी शुरू हो गई इंडिया की। सर क्या? आज इंडिया की डिजिटल करेंसी शुरू हो गई है आज की, जैसे क्रिप्टो करेंसी होती है ना, ऐसे डिजिटल करेंसी शुरू हो गई इंडिया की। हेलो, हाँ जी सर, सॉरी सॉरी सर, मैं बताना भूल गया, कर दी मैंने पेमेंट, हो गई। हाँ जी, आपका नंबर सेव नहीं था, मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर, थोड़ा टाइम क्लास ले रहा हूँ एक्चुअली, मैं कर देता हूँ, पेमेंट हो गई। हाँ कर दो तो बहुत अच्छी बात है यार, ठीक है कर दो, बस फिर मैं एक सेकंड में दे रहा हूँ फिर। तो मैंने फोटो तो खींच रखी मैंने उसकी, बट आप करोगे तो मैं एक मिनट में कर दूंगा, मुझे आपका नंबर सेव करना पड़ेगा। हाँ जी विजय जी, आगे पेमेंट देखो व्हाट्सएप कर दिया हूँ। हाँ जी हेलो, आ गई ना, ओके सर, थैंक यू। क्या मतलब सब चले गए थे?
सब घूमने चले गए थे क्या? तीनों घूमने चले गए थे वन बाय वन। हाँ जी, हो गया बेटा क्वेश्चन, बताओ हो पा रहा क्वेश्चन या नहीं हो पा रहा, मैं तो यही कंफर्म करूं। सर जब हम रिटर्न करते हैं क्या, जब सर जब रिफंड करते हैं ना तो बैंक कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो जाएगा ना, बस सिंपल एंट्री में बता रहा हूँ इस पूरे क्वेश्चन की। बताओ कर चुके अभी तक अभी हमारा क्वेश्चन कुछ? यस एंट्री इक्वल डाउट से। हाँ जी दिव्यांशी, इक्वल डाउट से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3,25,000। देखो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट और टू बैंक 13 लाख नहीं आएगा? 13 लाख क्यों आएगा, कितने का डिबेंचर है? अरे डिबेंचर कितने का बेटा? 13,000 डिबेंचर है, कितने का डिबेंचर है? 100 का। सारे पैसे इकट्ठे दे रहे हैं हम एप्लीकेशन पर ही। अच्छा ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बहन जी बहन से मिलो, हेलो करो। सर मुझे तो पता था कि एप्लीकेशन के पैसे करने थे। हाँ जी ठीक है, 13% डिबेंचर, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 13% डिबेंचर अकाउंट टू कितने परसेंट का डिबेंचर है? 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू जो भी हमारा कितना है, टू बैंक, बैंक के अंदर जाएगा 65,000, 3,000 डिबेंचर के पैसे वापस।
ठीक है सर, 75 नहीं जाए क्या चीज? 13 दूना 26, 3 दूना 26, 25 से 75। हाँ बेटा 75,000 जाएगा, सॉरी वो मेरे को ना 65,000, 2,60,000 दिमाग में है। सर एक बार सेकंड एंट्री रिपीट कर दो। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। सर अमाउंट क्या है? डिबेंचर एप्लीकेशन में आएगा 2,325,000 यस, और 12% डिबेंचर में आएगा हमारा कितना, 2,60,000 सॉरी टू कितने, 10,000 डिबेंचर है, 2,50,000, और प्रीमियम में जाएगा आपका 675, उसमें जाएगा बैंक के थ्रू 75,000। ठीक है यस, सर हो गया, हो गया। सेकंड क्वेश्चन शुरू करो दिव्यांशी, आगे पूरा क्वेश्चन बताना है पूरे एक बार बोल के। सॉरी एक मिनट, लास्ट एंट्री लिखती हूँ। सर कहाँ से बतानी है एंट्री? जहाँ से हो जाए सर मैं शुरू से बता देती हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,25,000, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,25,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 2,50,000 टू बैंक अकाउंट 75,000, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,00,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5,00,000, डिबेंचर सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 5,00,000, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट
250,000 to 12% debenture account 250,000, bank account debit 25,000 to debenture first account, sorry, 250,000. First call तक था question था. 250,000 क्यों है बेटा? First call के अंदर. ठीक है, सही है. चलो करो second question को. मैक हो गया आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर. सेकंड क्वेश्चन शुरू करो बेटा. सर, हाँ जी बेटा बोलो. सर सेकंड क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी बताने एक बार. मैं बताओ कितनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी. सर एप्लीकेशन मनी 50 रुपीज है और अलॉटमेंट 50. क्या दोबारा बोलो बेटा, शाबाश, ये सुन नहीं पाया मैं. सर एप्लीकेशन 50 अलॉटमेंट 50. दिव्यांशी कितने की है? दिव्यांशी कितने की है एप्लीकेशन अलॉटमेंट? तो फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में. फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया ना. हेलो हेलो, मेरी बात में बात कर रही हूँ. सर एप्लीकेशन मनी 100 भी हो सकती है. 100 बोली बढ़ाओ भाई, 50 से 100 हो गया.
ध्यान से पढ़ो बेटा पूरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। नवलक्ष्मी ने एडमिट करी एप्लीकेशन। हाँ जी बहुत ज्यादा फैंसी, थोड़ा सा जूम कर दो, थोड़ा सा जूम कर दो। अब ठीक है सर, ये तो बहुत जूम हो गया। अब ठीक है, अब ठीक है सर। हाँ जी पढ़ो जरा। नवलक्ष्मी लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 3000 डिबेंचर की। 100 रुपए का डिबेंचर है, 50 रुपए का प्रीमियम, पर टोटल कितने रुपए आने हैं हमें? 150। अब आगे देखो एक इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है, अंशिका आपने इसका वर्ड का मीनिंग बताना है। फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, क्या मतलब होता है इस बात का? सर सारा अमाउंट एप्लीकेशन पे पे कर देता हूँ। हाँ तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिलेंगे हम? 50। कुछ भी नहीं मिलेगा सर, पर प्रीमियम पे सर कैसे दे सकते हैं मतलब? अच्छा फुल अमाउंट में एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम नहीं होता सर? होता है। फिर ओके हाँ जी महक, महक आप बताओ फुल अमाउंट में प्रीमियम नहीं आता क्या? सर अलॉटमेंट में आता है प्रीमियम इंक्लूड हो, या तो पूरा पैसा आई बेटा एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट कहाँ से आ गई? और प्रीमियम के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं कि अलॉटमेंट पे होता है, प्रीमियम किसी भी कॉल के साथ आ सकता है, समझ गए? ओके सर। हाँ जी महक ठीक है, दिव्यांशी ठीक है, अंशिका ठीक है? यस सर। अब एंट्री लिखो, एंट्री में बोल रहा हूँ लिखो। लिखो एंट्री में बता रहा हूँ। 4000 डिबेंचर है हमारे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। चार हजार डिबेंचर पर 150 रुपए के रेट से 6 लाख रुपए आ जाएंगे हमारे पास। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट वाले डिबेंचर है? 12%। टू 12% डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। 1000 डिबेंचर के पैसे तो हम कर देंगे वापस, तो 150 रुपए में आए थे। 3000 के डिबेंचर के पैसे प्रीमियम में जाएंगे। ठीक है बेटा डन। हाँ जी बताओ बेटा, समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। महक एंड अंशिका यस।
हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, थर्ड सर क्वेश्चन दिखा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको? दोनों के दोनों सेम पेपर में, सेम ईयर में आए हुए क्वेश्चन है पेपर के अंदर।
हाँ जी बेटा, हो गया क्वेश्चन? हाँ जी हो गया बेटा, क्वेश्चन हो गया? यस सर। इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में कोई फर्क तो नहीं था, दोनों सेम ईयर के क्वेश्चन थे। सर मेरे को अमाउंट नहीं समझ आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो भरो तो इतना मैं दोनों क्वेश्चन ही करके दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है? यस। पिछले क्वेश्चन का तो मैंने करके दिखा तो दिया था। यस। तो अब हमारे कितने डिबेंचर है? बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन। नहीं समझ में आ रहा तो दिव्यांशी से पूछे तो बताए थे वो आपको। ₹170 का डिवेंचर है, कितने पैसे हो जाएंगे मल्टीप्लाई करो? सर 22,95,000। कितना आएगा हमारे पास? 22,95,000। वापसी 22,95,000। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट का डिबेंचर है बेटा? 12% डिबेंचर है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, 3,500 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 5,95,000 तो हमारा वापस हो जाएगा, ठीक है बेटा? हाँ जी अंशिका, समझ में आ रहा है? Yes। और 10,000 डिबेंचर का बेटा 17 rupees है हमारे, तो 7,00,000 रुपया हमारा चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में, और 10,000 डिबेंचर का ही हमारा 100 rupees के रेट से चला जाएगा 10,00,000 रुपया डिबेंचर में, टोटल हो गया 22,00,000, ठीक है बेटा? समझ आ गया? हाँ जी दिव्यांशी क्लियर है बेटा? Yes सर। क्लियर बेटा? यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो शो। अरे इसको कॉपी करो सर, मैंने कर लिया क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखा दो। हाँ जी राजीव, क्वेश्चन नंबर 4। आप जब मुझसे साझा क्वेश्चन करवाओ मुझे दिक्कत नहीं होती बिल्कुल भी, बट आप लोगों ने बट ट्राई जरूर करा करो, चाहे गलत या सही जैसा भी, गलत करना सीख जाओगे तो सही करना अपने आप आ जाएगा। सर क्वेश्चन दिखा दो।
सर हाँ जी, हाँ जी, का बोलो, सॉरी सॉरी बोलो। सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट 30 रुपीज पर शेयर हुआ। फर्स्ट एंड फाइनल 20 रुपए एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट, 40 20 60। हाँ जी बेटा, 30 रुपए होगा। ओके सर, इसके 10 रुपए का डिस्काउंट देना। डिस्काउंट क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। हाँ जी,
बेटा करके दिखाऊंगी मैं क्वेश्चन आगे। नो सर। हेलो मैं पूछ रहा हूँ शिवांश है आपके पास? हाँ जी बेटा करवाओ बेटा ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखो आपका 8,000 डिबेंचर की हम एप्लीकेशन मांग रहे हैं और पब्लिक अप्लाई करे 10,500 के लिए। 6,000 डिबेंचर को हमने फुल दे दिया, 4,000 डिबेंचर को हमने 2,000 दे दिए और बाकी के एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी। उसके लिए आपको टेबल टाइप बनानी पड़ेगी जो हम पहले बनाते हैं, अप्लाइड अलॉटेड वालों को हमने फुल दे दिया, 4,000 वालों को हमने 2,000 दे दिया, 500 को हमने इलेजे पो दे दिया। ठीक है डन। अब हमें क्या दे रखा है, 20 रुपए एप्लीकेशन, 40 अलॉटमेंट बाकी फर्स्ट कॉल पर। ठीक है, एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 40, 50 माइनस 10 और फर्स्ट कॉल पर 30। ठीक है जी, अब हमारे पास एप्लीकेशन आ रही 10,500 डिबेंचर। एक बार क्लास के डाल दो रहा ग्रुप के अंदर तनिष्क। ओके सर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट 10,500 डिबेंचर है 20 रुपए के रेट से, तो 2,010,000 डिबेंचर आ गए। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12% डिबेंचर अकाउंट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। हमारे पास आए थे 2,010,000 रुपए, 1,60,000 तो हमारे डिबेंचर में चले गए एप्लीकेशन में। ठीक है, और अलॉटमेंट में चले गए हमारे 2,000 डिबेंचर के पैसे, 500 डिबेंचर के पैसे हमने वापस कर दिए। ठीक है जी, अब हम फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट डेबिट करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 12,000। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कौन? बोलो।
आपने मुझे कौन से नंबर पे कॉल किया? आपके नंबर डबल नाइन 751761 ये मेरा मोबाइल नंबर है, यही मेरी जूम की आईडी है। हाँ जी बेटा, हो गया। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर अकाउंट 8 × 5 = 40, 4 लाख रुपए हमारे जाएंगे डिबेंचर में, 8 × 32 3,20,000 रुपए हम डिबेंचर में मांगेंगे, 80,000 रुपए का हम डिस्काउंट दे देंगे। गुजाटी साहब गुड इवनिंग सर। बड़ा कुछ छोटे की सर क्लास ए अकाउंट्स की क्यों नहीं थी भाई साहब? लिखा नहीं था क्लास के लिए, तो आप स्पेशली बोला भी था आ जाओ क्लास के लिए सर। आप नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं रेस्ट करूंगा। तूने लिखा तो था मैं रेस्ट करूंगा सर। पता नहीं सर, मीटिंग में आया 3:15 बजे, कोई था ही नहीं, मुझे लगा शायद क्लास नहीं होगी, मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। उसके बाद में देख किसी ने डाला ग्रुप में सर, मेरे पास मैसेज ही नहीं आया क्लास ग्रुप का अकाउंट का। ग्रुप में देख सर, देख ही रहा हूँ। हाँ जी ठीक है बेटा, फर्स्ट सर मेरे पास सर भाई सर ग्रुप पे मैसेज ही नहीं आया मेरे पास। किसने डाला था भाई? मैक आपने डाला था, दिव्यांशी आपने डाला था, दिव्यांशी ने डाला था शायद सर। मेरे पास तो फोन ही नहीं है। तो किसने डाला था? अंशिका ने डाला था फिर डाला ही नहीं। मैंने आपको बोला तो था डाल दो क्लास के अंदर। सर सर मैं तो लेट आई। हाँ तो मैंने तभी तो महक को बोला था कि महक को ही बुलाओ सर। तो क्लास तो सर्वर होती है। अरे क्लास होती है, 5-7 मिनट लेट हो गई थी ना क्लास, 3:20 तक कोई आया नहीं होगा, तो जॉय ने सोचा 5 मिनट लेट हो गए तो सब लेट आती पे, अब नहीं आएगा कोई। सर मुझे लगा फिर क्लास है ही नहीं, फिर मैं रख के सो गया। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, कुछ सर वीडियो भेज देना सर, सर वीडियो भेज देना इको की क्लास के बाद। डिवेंचर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर अकाउंट। हाँ जी ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सर बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट में 4 लाख नहीं है? नहीं बेटा, हमने मांगे कितने हैं देखो ना, 40 रुपीज मांग रहे हैं राजे। यस सर। 8,000 × 40 कितना होगा? ओके सर। बेटा मांग हम 40 रहे, डाल हम कैपिटल में 4 लाख रहे, ठीक है? ओके सर। यानी कि हम असल में 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं ना उनको। ये लो, ये हो गए एंट्री पास। अब आपका एक बार क्वेश्चन हो गया डिबेंचर वाला, या मैं भी आपको भेज देता हूँ थोड़ी देर में। नहीं भाई अभी कोई क्लास शुरू करे तो लेट हो गया था शायद, मेरे क्या टाइम हो गया, 5-8 हो गए। 2 मिनट में भेज रहा हूँ मैं भी आपको, ठीक है? वहीं से देख लेना।
इशू ऑफ शेयर वाले में डाला था, ठीक है। आ गया इसका बताओ, इको में हम क्या कर रहे थे? सर आपने केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कराए थे। ओके खत्म हो गए, आप लोगों ने पढ़े थे बाकी के क्वेश्चन या करवाने हैं? मैंने आपको फाइल तो भेजी रखी है। यस सर। क्वेश्चन पढ़े थे आप लोगों ने आगे के या नहीं पढ़े? कितने, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन और थे? पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, सिक्स मुझे लग नहीं रहा किसी ने पढ़ा है। पढ़ो जरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सेवेंथ पढ़ना, सेवेंथ पढ़ना है ना, सेवेंथ रीड करो। क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी आप लोग खुद ही करें। पढ़ो क्वेश्चन नंबर सेवन। एक कंप्यूटर और रुको, मेरे को डॉक्टर से बात करनी है, जरा कोई दिक्कत है, ठीक है दो मिनट आप जरा एक क्वेश्चन पढ़ो, मैं भी कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा पढ़ा क्वेश्चन नंबर फाइव, देखो क्या कह रहा है। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली
एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम लॉजिकली देयर आर 4 मेजर क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू ए पर्सन मे बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड. You may call a person underemployed or unemployed if either he is gainfully occupied during the year for the number of hours less than the sum number of some normal or optimal hours defined as fully employment hours or days. He earns an income per year less than some desirable minimum. He is willing to do more work than he is doing at the present. He may either be actively searching for more work or be available for more. If it is offered on the terms to which he is accustomed, ठीक है, he is removable from the his present employment in the sense that his contribution to output is less than the sum normal productivity. Is removable from his present employment in the sense that his contribution to the output is less than the sum normal productivity, and therefore his removal will not reduce the output. If the productivity is remains, worker is normal with the minor changes in the account. ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये जो लास्ट वाला फोर्थ था बता रहा है किसके बारे में बता रहा है? पहले फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला क्या है? हेलो, वॉइस आ रही है? क्योंकि जो एम्प्लॉय है कितने प्रोडक्टिव है, हो सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे को कुछ ऐसा बता रहा है कि फोर्थ वाले पॉइंट के अंदर जैसे कि सही. अभी मेरे को लगा क्वेश्चन से नीचे है मेन क्वेश्चन जो पूछे हुए, तो पूरा रीड ही करना लग रहा है मेरे को. अरे नहीं, मैं तो रीड करना था. अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं. ओके, ये फोर्थ वाले को पढ़ के आपको क्या लग रहा है, क्या है? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. फोर्थ वाले पॉइंट को सिर्फ रीड करो, मुझे बताओ ये फोर्थ वाला पॉइंट क्या है. इसका क्या मतलब है, मुझे सिर्फ इस एम्प्लॉयमेंट का नाम बता दो. मैं सर आपसे इतनी सी बात पूछ रहा हूँ. डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल यही पूछ रहा था. ठीक है, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है. ओके, अब क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है unemployed or underemployed, we may call a person unemployed if either. कौन-कौन से criteria की बात कर रहा है? I shall refer to these criteria as one, the time criterion, कि for the timing, time के basis पे. दूसरा वो बोलेगा number two को income criterion. Third and four, willingness criterion and productivity criterion respectively. उसने चारों को एक अलग-अलग नाम दे दिया. ठीक है? Now what he's saying? The presidential address by Professor Raj Krishna, Indian Society of Agricultural Economics, Mumbai. People who are, अब ये क्वेश्चन आपको चार दे रखे हैं शायद, यही है ना चार क्वेश्चन, यही है. हाँ जी, अब आप देख के बताओ इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन के आंसर है. वैसे ऊपर हमें पढ़ने की जरूरत अभी तक तो पड़ी नहीं, पता नहीं शायद इस क्वेश्चन में पढ़ जाए, कह नहीं सकता. नंबर वन, पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट आर आल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ जी बताओ क्या बोलोगे, ट्रू और फॉल्स? सो मे बी फॉल्स. फॉल्स क्यों? तो इनवॉलंटरी थोड़ा होगा. हाँ, वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा. ठीक है? यस सर. प्राइम रीजन फॉर राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज जॉबलेस ग्रोथ. जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट?
ये हमारा डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का सोर्स नहीं है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, लेबर फोर्स ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, कौन सी वही चीज हमारा सोर्स नहीं है डेटा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोवाइड करने का? डी ऑप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, राइट। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है? तो इसका तो डिस्गाइज्ड ही है इसका लिखा, बिल्कुल ये तो आपको पता ही है अच्छे से ऑलरेडी, क्लियर? यस सर। तो ये ब्लैंक विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, पढ़ो भाई, पता नहीं इतना बेकार बेकार क्वेश्चन देता है तो बड़े बड़े। सर जितनी बार पूरी केस स्टडी रीड की क्वेश्चन में काम ही नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ना है ना इसका, पढ़ो जरा। Rise in unemployment rate for the week ended in the month of November 22 signals weakening of which market? भाई understood है? अब ये ऊपर आया क्वेश्चन, हाँ जी, labour market, understood है labour market? Rise in unemployment rate is an indicator of incomplete recovery or incomplete recession period since May 2020. क्या बोलोगे भाई? इनकम्प्लीट रिसेशन होता, रिसेशन में तो वो कि एम्प्लॉयमेंट रेट गिरेगा सर, रिकवरी, रिकवरी है ना। वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बाय टोटल पॉपुलेशन और टोटल लेबर फोर्स, क्या करते हैं? पॉपुलेशन, हां वर्कर पार्टिसिपेशन रेट है ना, बिल्कुल। तो हमारा टोटल पॉपुलेशन है। मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट in shorter period of time, measure to reduce unemployment in the short period of time, kaise measure karenge? Reduction in inequality in the distribution of income and wealth, increase in investment in private and public sectors, reduction in growth of population, none of these, kaun se wala? Sir, B, answer B option, डी तो है ही नहीं सर, डी बोला है, बी। अच्छा, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, बिल्कुल। मेजर टू रिड्यूस हमारा क्या होगा? प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में हम एम्प्लॉयमेंट में हम काम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात। चलो जी, क्वेश्चन पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं, पढ़ी। ओके, अब ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा है इसका? सब ऊपर से था। क्वेश्चन कहाँ है? यही है क्वेश्चन, लेबर लॉस फॉर्म टू। यस सर, मे भी शायद यही है। क्या कह रहा है? लेबर लॉस आर फॉर्म्ड टू चेक डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन, गिव मोर पावर टू मेल वर्कर्स, गिव मोर पावर टू फीमेल वर्कर्स, नन ऑफ दिस। हाँ जी, कौन से वाला है? लेबर लॉस किसके लिए बनाए गए थे? अरे ए होना चाहिए, मेरे को भी यही लग रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑन राइट टू इक्वालिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयरिंग व्यूज, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट, नन ऑफ दीस। राइट टू इक्वालिटी, द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी तो हमें बचपन वाली बात पूछी गई, पता नहीं क्यों। There is a need to make effective execution of law of equal remuneration for both male and female in order to avoid discrimination, promote culture, maintain tradition, none of these. A, avoid discrimination. क्या बेकार के क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, हम सीधा आंसर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। In spite of economic growth, India faces joblessness due to less employment opportunity, less workers, less interest in workers, none of these. Less employment opportunity. Right. Many job seekers are qualified for job but not skilled. All of the above. Educated. मतलब सारे बता दिए। जैसे मैंने B part बोला है। हाँ, तूने B बोला, एक ने C बोला, एक ने A बोल दिया, तो सारे हो गए। मैंने डी बोला है सर, ऑल ऑफ दी। तो तनिष सही बोल रहा है,
many job seekers are qualified for the job but was skilled in it. तो बट फिर एजुकेटेड भी तो नहीं है ना बेटा, क्वालिफाइड है ना वो, पढ़े लिखे. क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? तो एजुकेटेड तो हो ही गए वो, तो आपका डी पार्ट तो वैसे ही गलत हो गया. क्वालिफाइड का मतलब एजुकेटेड है, एमकॉम बीकॉम वगैरह कर रखी है उन्होंने, ठीक है. Employment creation will be one of our greatest challenge for the next decade. True or false? True. Done. Chapter completed. Reason क्या होगा वैसे उसका? क्या? उस true का reason क्या होगा? उसका true का reason बड़ा simple है. हमारे देश में population तो बढ़ रही है, हमारे देश में growth भी हो रही है, but लोगों के पास employment opportunities नहीं है. ठीक है. एक मिनट का time दोगे? एक मिनट. हाँ जी बेटा, हो गया. अब आप निकालो नेक्स्ट चैप्टर. अब आप ये बताओ कौन सा चैप्टर अपना रह रहा है, तो ये बताओ. इंडियन इकोनॉमी का बताओ पहले आप. इंफ्रास्ट्रक्चर रह रहा है अभी हमारा? देखो यार, इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीटेड है. इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीटेड है. चलो एलपी. हाँ, एनवायरमेंट रह रहा है अभी हमारा. एनवायरमेंट निकाल दो, इकोनॉमिक एनवायरमेंट यही है ना. इकोनॉमिक एनवायरमेंट एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है ना. हाँ जी सर. अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर, ध्यान से सुनो. देखो बेटा,
अजय भाई ने इस चैप्टर को एक बार थोड़ा सा हल्का फुल्का सुन लो। देखो बहुत सिंपल सा मैटर है, हम ये चाहते हैं हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट हो, अच्छी बात है, नॉट बैड, डेवलपमेंट हो रही है। अभी जैसे मानो हम कह रहे हैं कि सोलर पावर आनी चाहिए, अच्छी बात है बुरी बात है? बताओ भाई, सोलर पावर आनी चाहिए हमारे देश में, अच्छी बात है बुरी बात है? व्हाट डू यू से? सर अच्छी बात है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, है ना? कि भाई अगर मानो वो हो जाएगा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज कम हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनेगी। ध्यान से सुनना जो जो बातें मैं बोलूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है, आप सबको अच्छी तरह पता है। जब हम कुछ और चीज जलाते हैं तो क्या बनती है, कौन सी गैस बनती है, बताओ? मोनोऑक्साइड, यही सारी कार्बन, सीएफसी, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ठीक है, क्लियर। और अगर मानो हम गाड़ी चलाते तो कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो सांस छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब आपको पता है जब हम एसी चलाते हैं तो कौन सी गैस बनती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से आप देखो कार्बन से रिलेटेड हमारी कई सारी चीजें बनती है, और हमारी बॉडी जो है क्या कर रही है, ऑक्सीजन ले रही है, ऑक्सीजन इनहेल कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, सिंपल। और हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं बताओ वो क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हमारी बॉडी में एडजस्टेबल नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, तभी तो छोड़ रही है, और हम क्या करें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसेड रहे हैं, डाल रहे हैं। तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी है बुरी है? बुरी है। क्यों पी रहे हैं फिर हम? टेस्ट के लिए। तो इसी तरीके से हम जो एसी का यूज कर रहे हैं, एसी से कार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो गैस जो प्रोड्यूस होती है वो बाहर निकलकर एनवायरमेंट में घूम रही है, फिर वो गैस होती है हल्की ऊपर की तरफ जाती है, और वो गैस इतनी ज्यादा तेज होती है कि हमारे जो एनवायरनमेंट के अंदर जो लेयर्स है उन सब लेयर में सुराग होता जा रहा है, जिसके कारण सूरज से आने वाली किरणें, रेज, सीधी हम पर पड़ रही है, और वो कुछ सीधी हमारी बॉडी में पड़ती है तो इतनी ज्यादा तेज है कि हमारी बॉडी में बर्न हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे इस तरह की प्रॉब्लम पैदा हो रही है जिसको स्किन प्रॉब्लम कह सकते हैं। और वो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण हो रहा है। जो हमारा मीथेन गैस है जो कि कूड़ा करकट जब इकट्ठा हो जाता है उससे मीथेन, ये भी हमारे एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायी है। जब हम इसको भी इनहेल करते हैं तो अगेन उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड हमारी चीजें होती है जो हमारी बॉडी को खराब करती है। अच्छा चलो मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, शायद आपको पता है या नहीं पता, मुझे नहीं होता। आपको पता है हमारे यहाँ, आप रानीबाग रहते हो, केशवपुरम रहते हो, मैं करोलबाग रहते हो, बीच में से गन्ना नाला होता है, गन्ना नाला जा रहा है, देखा, श्रीनगर के पास से गन्ना नाला निकल रहा है, बहुत लंबा गन्ना नाला, देखा हुआ कभी आपने? श्रीनगर के पीछे से होता, केशवपुरम के बीच में से होता हुआ एक गंदा नाला जा रहा है। कभी आप पंजाबीबाग की साइड से आओगे ना तो जैसे अशोका पार्क की ग्रीन लाइट को पार करोगे तो एक बहुत बड़ा गंदा नाला रोड से पास होता है। अब पता है जहां कहीं पर भी गंदा नाला होता है, जहां से हमारा वेस्ट वाटर जो जा रहा है, इसमें जो गैसेस जो प्रोड्यूस होती है, जो गैसेस बनती है,
उसके आधा किलोमीटर से एक किलोमीटर तक के रेडियस में जितने भी घर होते, जितने भी घर होते, उन सबके एसी, रेफ्रिजरेटर और जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिन्हें कॉपर होता है वो गल जाता है जल्दी। पता आपको वही बात, इसलिए आप किसी भी बंदे से जो आपका त्रिनगर के आसपास में रहता हो उससे पूछना कभी उससे कि क्या आपके घर के एसी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जिन जिनका घर गंदे नाले के आसपास हो आधा किलोमीटर के रेडियस में, वो बोलेगा हाँ हमारे घर की कॉपर की जो पाइप्स होती है सड़ जाती है, गल जाती है। और वो क्यों गल जाती है उनको भी नहीं पता। रीजन क्या है, गंदे नाले के पास हमेशा एक गैस प्रोड्यूस होती है जो कॉपर को खा जाती है और इसीलिए कॉपर की पाइप्स उनकी बहुत जल्दी गल जाती है। इसीलिए कभी आप किसी से एसी लेने जाओगे ना कि भाई मुझे एसी रेंट पे चाहिए, तो रेंट पे देने को मना कर देगा अगर आपका घर गंदे नाले के आसपास होगा तो, कहेगा कि हम देते ही नहीं उस एरिया। उसका रीजन यही है, बिकॉज दे नो कि अगर हम आज देंगे हमारा नया एसी भी थोड़ी बात क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। उनकी गैस बार बार लीक हो जाती है उनके घर में, एसी फ्रिज की गैस बार बार लीक हो जाती है। क्यों लीक हो जाती है नोबडी नोस। ये मैंने कोई एक एग्जांपल दिया छोटा सा। ऐसी 500 बातें हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती। अब आपको मैंने भी क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछ के मैंने बात बीच में छोड़ दी कि जो सोलर जो बनेंगे, सोलर के जो हमारी चीजें बनेंगी, ये हमारे लिए अच्छा है बुरा है। तो आपने कहा जी बहुत अच्छा है, हमें भी सुनने में लगता बिल्कुल बहुत अच्छा है। लेकिन सोलर के जो हमारे प्लांट बनेंगे, उसके जो पैनल बनेंगे, जब कभी वो वेस्ट होंगे, कभी ना कभी तो वेस्ट बनेंगे वो, तो जो वेस्ट बनकर जाएंगे ना, तो उनका हम दोबारा रिसाइकल में यूज कैसे करेंगे? नॉट रिसाइकलेबल है प्लास्टिक, ज्यादातर प्लास्टिक के और कांच के बनते हैं, और वो इतना ज्यादा वेस्ट हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा कि हमारे पास उसको फेंकने के लिए जगह ही नहीं होगी। क्योंकि अभी भी जो हमारा देश के अंदर, जो वर्ल्ड के अंदर जो वेस्ट बन रहा है, वेस्ट का हम करते क्या है, कहां जाता है वो वेस्ट? अगर हम वेस्ट को जलाते हैं तो दोबारा प्रॉब्लम, और अगर हम वेस्ट को जलाते नहीं डंप कर देते हैं तो भी एक प्रॉब्लम, मीथेन गैस बनती है। इस तरीके की हजारों प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड क्रिएट हो रही है और साइंटिस्ट बार बार ऐसे ऐसे तरीकों को ढूंढ रहे हैं जिससे कि चीजों को या लोगों को या जानवरों को नुकसान ना हो। अब चीजें, लोग और जानवर, ये सब चीजें हमारी धीरे धीरे पोल्यूशन के अंदर जा रही है। जैसे कुछ चीजें होती है बायोटेक, जिसको हम बायोलॉजिकल कहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग बायोलॉजिकल है, पौधे, पेड़, जानवर, पक्षी, पशु, कीड़े मकोड़े, ये सब बायोटिक है। लेकिन कुछ चीजें अबायोटिक है। अबायोटिक मतलब जो बायोटिक नहीं है, नॉन लिविंग पार्ट जिसे हम कह सकते हैं, जो लिविंग पार्ट है, जो जिंदा है, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सब बायोटिक। और जो खा पी नहीं रहे, जैसे कि एयर, सनलाइट, मौसम, ठीक है, वाटर, ये सब खा पी नहीं रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नॉन लिविंग पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि फिजिकल बने हुए या केमिकल चीजों से बने हुए, उन सबको हम क्या कहते हैं, अबायोटिक। एंड हमारे डेवलपमेंट के अंदर, जब हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं हमारे देश के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, तो वर्ल्ड वाइज जितनी भी चीजें हमारी बन रही हैं या हो रही हैं, वो एक तरफ तो हमें डेवलपमेंट दे रही है, मतलब हमारे जीने के साधन को, हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा सिंपल बना रही है, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ ऐसा कर रही है जिससे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप देखते हो कभी बनाना लेकर आओ, आजकल बनाना, सिंपल बनाना के लिए बता रहा हूँ, वैसे और बहुत सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीजें इनके बारे में बता सकता हूँ। आप कभी लेने जाओ बनाना, ना आपको ऊपर से एकदम प्रॉपर नजर आएगा, जैसे बनाना शायद मेरे घर में पड़ा भी होगा, मैं जाके दिखाता हूँ आपको, एकदम ऐसे नजर आएगा, एकदम पीजा, मतलब बिल्कुल भी आपको गला हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे आपको छीलते हो ना तो अंदर से गला हुआ होता है।
तो कभी केजरीवाल से पूछो भैया ये बनाना गला कैसे हुआ, तो पता क्या बोलेगा, भाई साहब कुछ नहीं, केजरीवाल दब जाता है इसलिए ऐसा हो जाता है। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, केला कभी भी दबने से गलता नहीं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही ना पहले क्या होता था, पहले बनाना लाया जाता था, इनके गोदाम होते थे, गोदाम के अंदर उसको रखा था, बर्फ रखी जाती, बर्फ की सीढ़ियां रखी जाती, जिसके चक्कर में बर्फ के थ्रू इसको ठंडा करके मतलब पकाया जाता था केले। लेकिन अब क्या करते हैं, इनके पास एक गैस होती है, गैस को छिड़क देते हैं और हर बनाना के ऊपर बाहर से जाती गैस होगा और विद इन वन आवर बनाना पक जाता, और कई बार वो इतना ज्यादा पक जाता है कि वो ज्यादा देर अगर गैस में लगा हुआ है तो आपका गलने लग जाता है। और बताओ जो गैस जो वो लगा रहे हैं ना, हमारी बॉडी के लिए जबरदस्त नुकसान है। हम क्या सोच के बनाना खा रहे हैं, यार बनाना में कैल्शियम होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर है, हम जो बनाना खा रहे हैं उसमें गैस डाल दी उन्होंने, उसमें स्प्रे कर दिया, केमिकल का स्प्रे कर दिया, और वो केमिकल का स्प्रे हमारी बॉडी को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। पहले आप सब्जियां देखते थे प्रॉपर साइजेस में होती, अब क्या होता है सब्जियां जो बन रही है अलग अलग साइज में बनाई जा रही है, रीजन क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे केमिकल डाल दिए जाते हैं, फर्टिलाइजर डाल दिया जाता है, यूरिया डाल दिया जाता है, जिससे कि उनके साइजेस पैसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और महंगी बिक पाती है, कमाई हो, मतलब उनकी डेवलपमेंट तो हो गई लेकिन लोगों की बॉडी को क्या पहुंचा, नुकसान पहुंचा। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि हम ये चाहते हैं कि आज कुछ चीजों को जिनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं, एक बात और मैं बताना भूल गया था उसको ही बताया था, आज जिन चीजों को हम यूटिलाइज कर रहे हैं लाइफ के अंदर, उन सब चीजों के साथ भी प्रॉब्लम है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में चीजें ही खत्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल जंगल हम धीरे धीरे काटते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जंगल काटते जा रहे हैं धीरे धीरे, वहां के जंगल के जो जानवर है वो कहां जाए, वो सब धीरे धीरे मरते जा रहे। अब क्या होगा, जंगल से जो शेर होगा, चीता होगा, गीदड़ होगा, जो कोई भी होगा, वो सब भाग के कहां आएंगे, शहरों में आएंगे, और लोग उनको देखते हैं तो मार डालते हैं या फिर उनका शिकार कर देते हैं, और धीरे धीरे इसी वर्ल्ड में से टाइगर और लॉयन खत्म होते जा रहे हैं। और ये सब एक समय ऐसा आएगा जब हम सिर्फ किताबों में पढ़ा करेंगे, एक शेर होता था, एक चीता होता था, या फिर जू में मिलेगा वो भी बाई चांस अगर मिल गया तो, अदरवाइज सब चीजें हमारे देश में से वर्ल्ड में से क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो हुआ क्या कि डेवलपमेंट तो हुआ हमारे देश में, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, संतुलन बिगड़ गया। अब मैं भी आपको बता रहा था उस दिन कि एक दिन जब इकोनॉमिक्स, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, हाँ इकोनॉमिक्स ही पढ़ा रहा था, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको याद है मैंने एक बार पहले ही बताया था इंडिया चाइना पाकिस्तान के बारे में, जब मैं पढ़ा रहा था चाइना के अंदर इन्होंने करा क्या, चाइना के अंदर इनकी फसलों पर बहुत सारी चिड़िया आ जाती थी, और इन्होंने क्या करा, बहुत जब कभी किसी चिड़िया को देखते मार देते थे, इसीलिए हमने देखा होगा चाइना में सभी जानवरों को खा जाते, चिड़िया क्या, चूहा क्या, बिल्ली क्या, कुत्ता क्या, सब खा जाते। आपको पता हुआ क्या, 1965 के नियर 1962-63 के आसपास इनके वहां पे तकरीबन 4 करोड़ लोग मर गए। अब बता 4 करोड़ लोग क्यों मर गए, रीजन पता है, रीजन था इन्होंने सारी चिड़ियों को मार डाला। अब चिड़िया क्या करती है, चिड़िया कीड़े खाती है, चिड़िया क्या करती है, कीड़े खाती है। अब जो चिड़िया एक दिन में एक कीड़ा तो खाती नहीं है, कई 10-15-20-50-60 खा जाएगी, ये तो नहीं एक बार कीड़ा खाइए मैं दोबारा नहीं खाऊंगी दिन में, ऐसा भूख मर गई उसकी, जहां जहां बैठेगी वहां पर कीड़े खाती रही, तो कई हजारों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में कीड़े खा जाती है चिड़िया। अब वो चिड़िया जो कीड़े खा जाती थी, चिड़िया तो गई मर, कीड़े हो गए बहुत सारे। अब जो कीड़े हो गए बहुत सारे, टिड्डी दल हो गए बहुत सारे, तो उन्होंने क्या करा, सारे फसलों को बर्बाद कर दिया। अब जब फसलों को बर्बाद कर दिया तो वहां पे फसलें नहीं है, लोगों के पास खाने खाने को नहीं है, और जो किसान है उनके पास खाना नहीं है, तो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर दी या मर गए भूखे भूखे होने के कारण। तो बताओ डेवलपमेंट किस काम की हुई, जब हमारा एनवायरनमेंट बिगड़ गया, क्योंकि गॉड ने जो चीज बनाई है वो बड़े सोच समझ के, पता नहीं कैसे बनाई है, आई डोंट नो, बट बनाई बहुत बढ़िया। देखो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको बड़े बड़े मच्छर खा जाते हैं, बड़े बड़े मच्छरों को छिपकली खा जाती है, छिपकली को चूहा खा जाता है, चूहे को बिल्ली खा जाती है,
बिल्ली को कुत्ता खा जाता है, कुत्ते को शेर खा जाता है, ऐसे अलग अलग जानवर एक एक दूसरे को बड़े बड़े बने हुए जो कि एक दूसरे चीज को दो कोई ना कोई जानवर खा रहा है। और जब वो चीज खत्म हो जाती है तो देखो सड़कों पे कितने सारे कुत्ते हो गए हैं, ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे बहुत से जानवर हमारे वर्ल्ड में से या तो है ही नहीं या धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट में क्या आ रहा है, इम्बैलेंस आ रहा है। अब बात आती है जंगलों की। जंगल के अंदर मैंने भी आपको बताया जानवरों पर नुकसान आ रहा है। क्या जानवरों को नुकसान आ रहा है? नहीं, उसके अलावा और बहुत सारे नुकसान आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब जंगल कट जाएंगे, जब जंगल कट जाएंगे तो वहां के, आपको पता है जंगल के अंदर जितनी भी जगह होती है वहां पेड़ होते हैं। पेड़ कितनी ज्यादा ऑक्सीजन हमारे वर्ल्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं। जंगल कट गए तो वहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन खत्म हो गई। फिर जंगल हमारी जमीन को नीचे से जकड़ के रखते हैं, जिससे कि बाढ़, आंधी, तूफान वगैरह जितनी भी चीजें होती है उन सबको रोक देती। लेकिन अगर वो चीज ही नहीं है तो हमारे जीने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत है, जो पानी है, बाढ़ है, वो हर जगह पे आ जा रही है। और क्या होगा, उतनी जगह को क्या पहुंचा देगी, नुकसान पहुंचा देगी। अल्टीमेटली एनवायरमेंट में क्या आ गया, इम्बैलेंस आ गया। दैट्स व्हाट वी आर वॉचिंग। हम इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत सारी चीजों को खत्म कर दें, जैसे पेट्रोलियम। आप सबको अच्छी तरह पता है कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारी खत्म हो जाएंगी कभी ना कभी, जिनकी क्वांटिटी लिमिटेड है, और कुछ चीजें ऐसी जो अबंडेंस में, जैसे एयर अबंडेंस में। लेकिन धीरे धीरे होगा क्या, एक समय ऐसा आएगा जब ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेड़ों को काट दिया, ऑक्सीजन कहां से आएगी? पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है, केरोसिन ऑयल और हमारा ये कोल, ये सब एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हो सकता है हमारी जो आने वाली जनरेशन होगी उसको वो चीजें मिले ही ना, जिससे कि वो अपनी चीजों को यूटिलाइज कर सके। क्योंकि हम धीरे धीरे, होता क्या, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कुछ समय के बाद बन जाती है, 100-200 साल के बाद, 50 साल के बाद रीजनरेट हो जाती, गॉड गिफ्टेड है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो रीजनरेट नहीं हो पाती। जो चीजें रीजनरेट हो जाती है, अगर मान लो एक पेड़ है, सोचते एक पेड़ है, वो फल देता है, हम उस पेड़ के फल खाते हैं तो 6 महीने बाद आते, 1 साल बाद आते, लेकिन पेड़ को ही अगर हम काट डालेंगे तो फल कहां से मिलेगा। और अगर मानो हम कहते हैं कि गांव हर चीज अगर थोड़ी मात्रा में की जाए, बुराई कुछ नहीं है। मान लो मेरे घर के अंदर 2 मेंबर है और मैं जंगल के पास रहता हूँ, वहां पे मैं जाता हूँ और लकड़ी चुनता हूँ, लकड़ी चुन के जाता हूँ, घर पे आके अपना ईंधन जलाता हूँ और घर का काम चला देता हूँ, मतलब घर पे जो खाना वाना बनाना बन जाता। फिर क्या हुआ, घर में 2 जनों की बजाय हो गए 10 जने, तो 10 जनों को खाना खाने तो 10 जनों की लकड़ी चाहिए होगी। अब हुआ क्या, मेरा एक परिवार और आ गया, 2 परिवार और हो गए, और बहुत सारे लोग जंगल के आसपास के एरिया में रहने लग पड़े। अब वो लकड़ी पहले तो नीचे से उठा उठा के जाते थे टूटी हुई लकड़ी को, अब वो काट काट के जाते, और धीरे धीरे क्या हुआ, रोज के रोज जब ज्यादा ज्यादा लकड़ी की जरूरत पड़ेगी तो हम पेड़ों को काटते गए काटते गए, और धीरे धीरे जो हमारे पेड़ है उसके मतलब क्या होते जा रहे, वैनिश होते चले जा रहे, खत्म होते चले जा रहे। एंड देयर लाइज अ प्रॉब्लम कि अगर हम इतनी मात्रा में उतना काट के जाते हैं जितना कि दोबारा जनरेट हो जाता है, कल परसों में महीने में जनरेट हो जाए, ठीक है, मान गए भाई एक पेड़ को काटा तो अगले 6 महीने में दूसरा पेड़ उग गया, हम 6 महीने के कागी को काट रहे थे। लेकिन हुआ क्या, हमने पेड़ को काटा 15 दिन में, जबकि पेड़ उगता है 6 महीने में, तो क्या होगा, थोड़े दिन बाद पेड़ एकदम खत्म ही हो जाएंगे। यही चीज है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमें ना केवल हमें डेवलपमेंट करना है बल्कि सस्टेन करना है, ताकि हमारी लाइफ भी सस्टेन हो और हमारा एनवायरमेंट भी क्या हो, सस्टेन रहे, ठीक है। तो हमें सिर्फ एनवायरमेंट को देखना है, डेवलपमेंट को देखना है, हमें हर चीज को देखना है। और ऐसा भी नहीं हम आज से खाना बंद कर दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एनवायरमेंट, हाँ जी बेटा, आप पढ़ो जरा इसको, चैप्टर को एक एक करके पढ़ते जाते और चीजों को भी हम देखते जाएंगे, कुछ चीजें नई नई आती रहेंगी, ध्यान से देखना। बहुत अच्छा चैप्टर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, मतलब रियल लाइफ में आके सोचोगे ना तो लगेगा हाँ सच में कुछ पढ़ रहे। एनवायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक और लिविंग एलिमेंट्स, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, फॉरेस्ट एटसेट्रा, एंड अबायोटिक और नॉन लिविंग एलिमेंट्स, ये ए बायोटिक के साथ इकट्ठे ही है। अबायोटिक इज ए सिंगल वर्ड, एयर, वाटर, लैंड, रॉक्स एंड सनलाइट एटसेट्रा। इन अदर वर्ड्स, एनवायरमेंट रेफर्स टू ऑल दोज कंडीशंस। एनवायरमेंट किससे कंडीशन को है, all those conditions, resources or elements
और सराउंडिंग दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। हर चीज जो भी हम देख रहे हैं, पेड़, जंगल, गाड़ी, रोड, बसेस, स्कूटर, टायर, एवरीथिंग इज आर एनवायरमेंट। सर्दी, गर्मी, बरसात, ठीक है, हर चीज जो हम देख रहे हैं हमारे सामने, वो सब हमारा एनवायरमेंट है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट क्या है? अब ये जो एनवायरमेंट है बेटा, हमें चीजें देता है, सारी चीजें हमें एनवायरमेंट से मिलती है। आप जो भी चीज आपके सामने, बताओ क्या चीज आप देखना चाहते हैं, कोई भी चीज, ये मोबाइल, ये हमारा ये माउस, ये पेन, ये पेंसिल कैसे बनी, कहाँ से बनी होगी, अंडरस्टूड है, हमने जमीन में से कुछ ना कुछ निकाला होगा, कोई ना कोई मटीरियल एक्सर्ट करा होगा, उसको फिर हमने केमिकल डाल के कुछ ना कुछ कर करा के बनाया होगा, ठीक है। अगर हमें लकड़ी की टेबल पे बैठ रहे तो लकड़ी की टेबल भी कैसे आई, हमें एनवायरमेंट ने दी। जो भी चीज जो आपको मिल रही है वो कहीं ना कहीं धरती से क्या की गई, एक्सर्ट की गई है, और उसको कन्वर्ट करके कुछ ना कुछ बनाया गया, ठीक है। तो अब ये है क्या, रिसोर्सेज इंक्लूड बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे जो रिन्यू हो जाते हैं कुछ समय में, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिन्यू नहीं हो पाते जल्दी जल्दी। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग देम डेप्लीटेड और एग्जॉस्टेड, विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, फिशेस, प्लांट, आज नहीं तो कल दोबारा उग जाएंगे, उग तो सकते हैं, चाहे थोड़े टाइम बाद उग तो सकते हैं, रिन्यूएबल है। जैसे कि दिखाया गया नीचे, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, हाइड्रो पावर रिन्यूएबल है, बारिश आती आती है, मौसम चेंज होता ही होता है, ठीक है। बायोमास एनर्जी, एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी जो गॉड गिफ्टेड है, विंड एनर्जी, विंड के थ्रू जो हमारी एनर्जी है, हवा चलेगी चलेगी, बिजली उससे बनी जाएगी, तो ये हमारी कौन सी एनर्जी है जो रिन्यूएबल है। और नॉन रिन्यूएबल क्या है, फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस एक्सेट्रा, कोल, फ्यूल ऑफ लाइफ, न्यूक्लियर पावर, नेचुरल गैस, ये सब हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल है, जो जल्दी खत्म हो जाएंगे तो दोबारा जल्दी बनेंगे नहीं, या बनने में बहुत कई हजारों साल लग जाते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड with extraction and use, for example fossil fuels and oil etc. Environment provides supplies resources which are strategic for production. These are the natural resources which environment provides and are used as input for producing goods and services. ये तो आप सबको पता ही है, मैंने आपको बताया हर चीज जो हम यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमें एनवायरमेंट के थ्रू मिली हुई है, गॉड गिफ्टेड है। अब देखो इसके अंदर कुछ खास बातें बताएंगे। एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। देखो आप है ना किसी भी चीज को, खाने पीने की चीज को रख दो, कहीं बाहर रख दो, छोड़ दो, आप जैसे उसको बाहर रखोगे थोड़े टाइम बाद उसमें फंगस पड़ जाए, थोड़े टाइम बाद उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लग जाएगी, थोड़े दिन बाद आप जाओगे वहां पे वो होगी नहीं चीज। क्यों? क्योंकि गॉड गिफ्टेड कुछ ना कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो उसको खत्म कर देते हैं। इवन हवा में ऊपर रख दो जहां पे कोई जानवर या कीड़े मकोड़े पक्षी वगैरह उसको आके खा जाएंगे या खत्म कर देंगे, या वो वेस्ट बन के भी सड़ के भी उड़ जाएगा। और आपको अच्छी तरह पता है मटेरियल एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होते, वो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसी न किसी चीज में। अब कुछ चीजों को तो हमारा एनवायरमेंट क्या करता है, एसिमिलेट कर जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है प्लास्टिक वगैरह जैसी, इनको भी दोबारा एनवायरमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हमने आपको बताया कि प्लास्टिक को एब्जॉर्ब होने में कम से कम 200 से 300 साल लग जाते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। तो ये चीजें जो हमारी बन रही है, जितनी भी चीजें हमारे पास वेस्ट है, ये सारा कहीं ना कहीं डंप होता जा रहा है, कहीं ना कहीं इकट्ठा होता जा रहा है, उसको हम दोबारा रीयूज भी नहीं कर पा रहे, रिसाइकल नहीं कर पा रहे, देन इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। दैट मीन्स वी नीड टू अंडरटेक प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोडक्शन कमोडिटी। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस लॉस्ट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड। एक्टिविटीज ऑफ कंजम्पशन ऑल्सो जनरेट वेस्ट। जो भी हम कंजम्पशन करते हैं, देखो जैसे कूड़ा करकट होता है, मैंने पता है इससे मीथेन गैस बनती है। तो जनरेशन ऑफ वेस्ट अकर इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज। एनवायरमेंट एब्जॉर्ब दिस वेस्ट क्रिएटेड बाय द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। और कुछ चीजों तक का कुछ वेस्ट तो हमारा एनवायरमेंट खुद ही एब्जॉर्ब कर देता है कुछ समय तक, लेकिन कुछ समय के बाद ये जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको हमारा एनवायरमेंट भी दोबारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। अंडरस्टूड है, हम जिंदा है तो एनवायरमेंट के कारण ही। एनवायरमेंट इंक्लूड्स द बेसिक एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट हमें क्या प्रोवाइड करता है, बेसिक एलिमेंट जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सन एक्सेट्रा।
presence of these elements compound correspond to sustenance of human life. ये हमारे जो elements हैं, हमारे sustain करने के लिए आदमी की life के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Environment has a carrying capacity to sustain the life. Environment के पास एक capacity है जिससे हमारी life क्या हो सकती है, sustain हो सकती है. Environment enhances quality of life. Environment हमारी quality of life को क्या करता है, improve करता है. जो गाड़ियां या जो भी चीजें हम देख रहे हैं, ठीक है, अब आप कहते हो भाई पहाड़ों पे जाते हो, कहते हो आ कितनी बढ़िया जगह है, मजा आ गया. क्यों? रेनफॉल हो गया, ओशियन हो गया, सीज हो गया, लैंड हो गया, ये सब हमारे क्या गॉड गिफ्टेड है जिससे हमारी लाइफ क्या होती है, सुंदर होती जाती. लेकिन अगर हम इसको वेस्ट कर देंगे, खराब कर देंगे, खत्म कर देंगे तो क्या होगा, कुछ समय हर चीज क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी. एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, इंप्रूव करते. ऑल दोज एलिमेंट्स मेक आर सराउंडिंग ब्यूटीफुल एंड रिफ्रेशिंग. Human being would cherish and enjoy these surroundings, which will help in improving their quality of life. आपने कभी देखा होगा सुबह सुबह के टाइम पे अगर आप उठते हो, आपको कितना सूदिंग सा लगता है, यार मजा आ गया यार, बड़ी ऐसा लग रहा है, मौसम ही बहुत बढ़िया हो रहा है. लेकिन जैसे दिन बीतता जाता है, जैसे हमारा पॉल्यूशन बढ़ता जाता है, वैसे उसे भी क्या लगता है यार, बड़ा थका थका सा महसूस करें, बॉडी में बड़ा पेन पेन सा हो रहा है. मतलब खुला एनवायरमेंट, कभी आप पहाड़ों में चले जाओ आपको बॉडी ऐसे लगे खुली खुली सी, कभी इंडिया के बाहर चले जाओ तो लगेगा पता नहीं कहाँ आ गए, जन्नत है जैसे वहां पे. क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट वहां पे बहुत ज्यादा क्लीन है. दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम. और हमारे देश में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इस तरह की. तो इस तरह की बातों को क्या कहते हैं कि ह्यूमन बींग वुड चेरिश एंड एंजॉय दीज सराउंडिंग व्हिच विल हेल्प टू इंप्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. इससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है, बेटर हो जाती है एनवायरमेंट. जब हम एनवायरमेंटल क्राइसिस होते हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस है इसका नाम, वो क्राइसिस वर्ड नीचे आ गए. एनवायरमेंटल क्राइसिस अकर्स व्हेन कैरिंग कैपेसिटी, पता है हमारी धरती की, हमारी जो एनवायरमेंट है उसकी कैपेसिटी है वेस्ट को एब्सॉर्ब करने, उससे ज्यादा कोई भी चीज डालोगे तो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी. भाई धुआं है, गॉड गिफ्टेड है, धुएं को एब्सॉर्ब कर लेता है. लेकिन कितना, कुछ हद तक भाई, कुछ एक क्वांटिटी जैसे होती है 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, 500 किलो, 1000 किलो, कुछ एक कैपेसिटी होगी उसकी, ज्यादा और ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, वो भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी. अब आप देखते ही हो हर साल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या हाल हो जाते हैं इंडिया के अंदर. आप लोगों को देखा हो दिल्ली के अंदर तो क्या बुरी हालत हो जाती है, फॉग आ जाता है. मैं तो बचपन से कभी नाम ही नहीं सुना था फॉग का, हमने तो बचपन से नाम ही क्या सुना था, पहले फॉग, लेकिन अब क्या आ गई, स्मॉग. ठीक है, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना था, स्मोक नाम की कोई चीज भी होती है, तो स्मोक आ गई. अब स्मोक पता लगा होता क्या है भाई, ये बहुत ज्यादा पराली जला देते हैं जिसके अंदर धुआं बहुत ज्यादा, तो धुआं ऊपर जा नहीं पा रहा क्योंकि थोड़ा बहुत होता उड़ जाता, लेकिन वो क्या, वो वापस नीचे ही आ जाता और हमारे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती. तो दिस अकर्स व्हेन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट इज चैलेंज थ्रू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और थ्रू एक्सेसिव जनरेशन ऑफ वेस्ट. कैरिंग कैपेसिटी मीन्स टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन. नंबर वन, हम जो निकाल रहे हैं वो इतना ना निकाले कि दोबारा रीजनरेट ना हो पाए, और हम जो छोड़ रहे हैं वेस्ट वो इतना ना हो कि हमारी हमारा पूरा जो एनवायरमेंट है उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए. ठीक है, तो दोनों ही बातें गलत है कि हम जितना हमें चाहिए हम उससे ज्यादा निकाल रहे हैं और जितना हमें वेस्ट करना चाहिए उससे हम ज्यादा वेस्ट दे रहे हैं. तो पता क्या लगा, दोनों तरीके से हमारा एनवायरमेंट वेस्ट होता जा रहा है. एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी लेस देन the rate of generation of regeneration of resources and waste generated are within the assimilation capacity of the environment. हाँ जी बताओ बेटा, क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes sir. Yes, causes of environmental degradation. हमारे causes क्या है environmental degradation के? तो अभी ये reason बता रहा है कि एक तो पहली बात, population बहुत तेजी से बढ़ रही है. High growth rate of population adversely affects environment. भाई understood है, जहाँ एक जगह पे रहने के 10 जने थे, जैसे मानो हमारे यहीं पे रहते करोल बाग के, जहां मैं रहता हूँ यहाँ पर पहले, मानो यहाँ पे ना सीवेज लाइन हमेशा ब्लॉक रहती है. कारण क्या है भाई, पहले यहाँ पे पानी आता था, एक फ्लोर पे सिर्फ एक घर होता था,
100 फैमिली रहती थी, उनका जो वेस्ट होता था पूरे घर से जो वेस्ट निकला वो पाइपलाइन में अगर चला भी गया तो निकल गया, पाइपलाइन वेस्ट ही होते थे। अब क्या हुआ, फ्लोर पे फ्लोर बन गए, 20-20 फ्लोर बन गए, और वहां पे क्या हुआ, वेस्ट जा रहा है नालियों के अंदर। अब वेस्ट घरों का जब नाली में गया तो नाली हमेशा कह रही थी ब्लॉक रहती, जैसे ही बारिश आती है पूरा का पूरा पानी ब्लॉक हो जाता। रीजन क्या है भाई, जहाँ 10 जनों की फैमिली के हिसाब से चीजें बनाई गई थी, अब वहां पे 2000 फैमिली रह रही है, तो कहाँ से उसको वेस्ट को एस्टिमेट करेगी, नहीं कर पाती। पॉपुलेशन ग्रोज अबाउट 2% एनुअली इन इंडिया, इट इंक्रीजेस द प्रेशर ऑन लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। 2% सुनने में लग रहा है सिर्फ 2%, जब 1300 करोड़ की पॉपुलेशन, 130 करोड़ की पॉपुलेशन को जब आप लगाओगे 2% तो कितना होता है, तकरीबन 3-4 करोड़ लोग हर साल ऐड हो रहे हैं, 3 करोड़ लोग खाना खाने का, सोचो कितना पैसा चाहिए उसके लिए। तो दीज आर द प्रॉब्लम, क्लियर होती बात बेटा, डन। अभी आपको इसके आगे नहीं पढ़ा, अभी आज आपको इतना ही पढ़ना है, यही बहुत ज्यादा है, ठीक है, काफी कुछ हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर को देखते हैं कितना खत्म हो पाता है। चैप्टर 38 पेजेस है और अभी हमने सिर्फ 3-4 ही मतलब हमने पढ़े हैं, अभी 10 पेजेस अभी पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट 11 से 38 तक हम नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं है चैप्टर, ठीक है। सारे तरह के पॉल्यूशन के बारे में पढ़ाया गया इस चैप्टर में मेनली, और ये बताया गया हम इन पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे, मुझे कुछ डॉक्टर के पास जाना है, जरा कुछ प्रॉब्लम है मेरे को, कुछ तबीयत थोड़ी खराब सी हो रही है, ठीक है, डन, ओके, यस सर, थैंक यू सर, ओके बाय बेटा, बाय सर, गुड डे, गुड डे बेटा।